गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल। एयर पोल्यूशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि अब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में और इस सिस्टम में जिसे बायोस्फीयर कहते हैं इसमें लगातार साइक्लिक फॉर्म में मूव करते रहते हैं। जैसे वाटर तीन स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, यानी कि आइस में, लिक्विड वाटर में और वाटर वेपर के रूप में। जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है उस पर जब सन की रेज पड़ती है या हीट या फिर विंड की मूवमेंट की वजह से वो क्या होता है, वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन या फिर इवेपोरेशन। किसकी वजह से हुआ, सन की वजह से या फिर विंड की वजह से। और ये वेपर्स क्या होती हैं, ये काम मूव करेंगी, ये अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में जाएंगी और फिर वहां पर कंडेंस होने की कोशिश करती है जब उन्हें लोअर टेम्परेचर मिलता है। इसके सपोज 10 पार्टिकल्स हैं और इन 10 पार्टिकल्स के आसपास ये वाटर वेपर क्या करेंगी, कंडेंस होने की कोशिश करेंगी। कंडेंस होकर ये क्या बनेंगी, ड्रॉपलेट्स। और जब ये कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स को ये 10 पार्टिकल्स के न्यूक्लियर होल्ड करके नहीं रख पाते तो वापस ये नीचे क्या हो जाती है, गिर जाती है अलग अलग फॉर्म्स में, जिसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन जिसके कई फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन ये अलग अलग फॉर्म्स, जैसे कि रेनफॉल, इसके अलावा स्नोफॉल, ये अलग अलग फॉर्म है। सॉलिड फॉर्म में भी वो गिर सकते हैं, ओले भी गिर सकते हैं जिनको स्लीट कहते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म्स में वाटर प्रेसिपिटेट होकर अर्थ पर वापस आता है। तो इस साइक्लिक प्रोसेस में जिसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो गए, इवेपोरेशन हो गया, इसमें कंडेंसेशन हो गया और इसमें फिर प्रेसिपिटेशन हो गया। इस प्रोसेस में कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अगर सरफेस के ऊपर गिरता है यानी लैंड के ऊपर पानी गिरता है तो वो रन ऑफ के रूप में आसपास की वाटर बॉडीज में चला जाता है, या फिर वो क्या करता है, वो पोर्स के थ्रू होता हुआ अंडरग्राउंड वाटर लेवल तक पहुंच जाता है। तो इससे क्या साबित होता है कि ये जो साइकिल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये हमारी अर्थ पर जो पीने लायक पानी है उसको रिसाइकिल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अंडरग्राउंड वाटर लेवल एनरिच तभी होता है जबकि समय समय पर प्रेसिपिटेशन होता है, और अगर प्रेसिपिटेशन नहीं होता है तो फिर उस इलाके में सूखा पड़ जाता है क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल नीचे पहुंच जाता है। क्योंकि ह्यूमंस अपनी नीड्स के लिए या फिर पेड़ पौधे भी अपनी नीड के लिए मिट्टी से क्या लेते हैं, पानी लेते रहते हैं, तो वो वाटर नीचे चला जाता है। तो उसको लगातार एनरिच करने के लिए ये साइकिल जरूरी है, ठीक है। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में इसके अलावा और क्या क्या दिया है, वाटर फ्लोज थ्रू रॉक्स कंटेनिंग सोलेबल मिनरल्स, सम ऑफ देम गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर, दस द रिवर्स कैरी मेनी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लैंड टू सी, दीज आर यूज्ड बाय मैरीन ऑर्गेनिजम्स। अब देखो, नदियां जो बहती हुई जाती हैं रास्ते में वो कई सारे मिनरल्स को अपने वाटर में डिजॉल्व करके ले जाती है, तो इन्हीं मिनरल्स जो डिजॉल्व होकर वाटर में जा रहे हैं, रॉक से सोलिबलाइज हो रहे हैं, वही जाके समुद्र के पानी को खारा बना देते हैं। तो ये एक रीजन है कि जो नदी का पानी है वो मीठा होता है और समुद्र का पानी खारा होता है। इसके बाद हमारे देश में जो रेन है वो कितनी होती है, लगभग 5 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है हमारे कंट्री में, लेकिन कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर की रेनफॉल जो है वो काफी ज्यादा होती है। हमारे देश में वर्षा कराने वाली जो विंड्स हैं उनको कहते हैं मॉनसून। ये कैसी विंड्स होती हैं, ये मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं, यानी कि मॉइस्चर को लेके आने वाली, समुद्र के ऊपर से मॉइस्चर को लेके आती है और जहां जहां पर इन्हें डिप्रेशन यानी ऐसा एरिया मिलता है
जिससे वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन उनके पाथ में आता है तो वहां पर ये कंडेंस हो जाती है। वाटर की उन्होंने और कई फीचर्स दिए, जैसे कि वाटर एक वंडर लिक्विड क्यों है। ऑल सेलुलर प्रोसेस टेक प्लेस इन वाटर मीडियम, सारे प्रोसेस कहाँ होंगे, वाटर के मीडियम में होंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले जो रिएक्शन वो वाटर मीडियम में होते हैं, ठीक है। इसके बाद सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, टेरेस्ट्रियल फॉर्म रिक्वायर फ्रेश वाटर टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ सॉल्ट्स, मेजर रिसोर्स टू डिटरमाइन द लाइफ ऑफ ऑन अर्थ। इसी प्लेनेट पे लाइफ पाई जाएगी या नहीं वो किस बात से डिसाइड होता है, वो इस बात से डिसाइड होता है कि वहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि कई सारे रिएक्शंस वाटर में ही कैरी आउट होते हैं, ठीक है, और वाटर में ही डिसॉल्व होकर सब्सटेंसेस सेल के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके बाद बात आती है डिसॉल्व फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, सीवेज वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड वाटर रिलीज फ्रॉम द डैम्स कैन अफेक्ट द लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। तो ये यहाँ हम बता रहे हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में कि वाटर किन किन चीजों से पॉल्यूट हो सकता है। मनुष्य जैसे फर्टिलाइजर यूज करता है, पेस्टिसाइड्स यूज करता है ना, इसके अलावा सीवेज यानी कि गंदा पानी जो घरों में इस्तेमाल की वजह से रिलीज होता है, ये सारे जाकर मिलकर फ्रेश वाटर बॉडीज जो है हमारी उन्हें वो पॉल्यूट करने का काम करते हैं, ठीक है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व निरंतर होती रहती है क्योंकि एटमॉस्फेयर की एयर के कांटेक्ट में है, तो वो उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज करते रहते हैं। लेकिन अगर सपोज करो कि वहां पर दूसरे ऑर्गेनिज्म ग्रो होने लगे फर्टिलाइजर्स की वजह से, एल्गी ग्रो होने लगे, तो जो फिशेज हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और वो उसकी कमी से मर सकती है। अब सपोज करो कि कोई पावर प्लांट है, उस पावर प्लांट से रिलीज हो रहा है ऐसा पानी जो कि अभी अभी कंडेंस हुआ है, ठीक है, टरबाइन से टकरा के स्टीम कंडेंस हुई है, तो उसमें फिर क्या होगा, वो पानी गर्म होगा, उसको अगर हम वाटर बॉडी में छोड़ देंगे वो वहां पर जाकर थर्मल पॉल्यूशन करेगा यानी कि टेम्परेचर राइज कर देगा। तो जब फिशेज को ऐसा टेम्परेचर मिलेगा जो कि एबनॉर्मल है तो वो मर सकती है, इसे कहते हैं हम थर्मल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, ये थर्मल पॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है नेक्स्ट टॉपिक का नाम है नाइट्रोजन साइकिल। वाटर साइकिल के बाद नेक्स्ट आती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन साइकिल यानी कि नाइट्रोजन किस तरह से फिक्स होती है। नाइट्रोजन, आज मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, इसको हम करेंगे नेक्स्ट टाइम में। नाइट्रोजन तीन तरह से फिक्स होती है। फिजिकल तरीके से जब बिजली कड़कती है और उस एनर्जी की वजह से एटमॉस्फेयर में मौजूद जो नाइट्रोजन गैस है वो आयनाइज होकर धरती पर आती है, उसे फिजिकल फिक्सेशन कहते हैं। दूसरा होता है केमिकल फिक्सेशन। केमिकल फिक्सेशन वो होता है जो कि इंडस्ट्रीज में होता है जहाँ फर्टिलाइजर्स बनते हैं। केमिकल तरीके से ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं जो कि क्या है, नाइट्रोजन को कैरी करते हैं, वो केमिकल फिक्सेशन। फिर आता है बायोलॉजिकल फिक्सेशन। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन को ऐसे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं जो कि कैसे भी प्लांट्स आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसे बायोलॉजिकल फिक्सेशन। बायोलॉजिकल फिक्सेशन फिर दो तरह की होती है, एक तो होती है फ्री लिविंग और एक होती है सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग वो होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी प्लांट के साथ एसोसिएशन बनाकर नहीं रहता, बस नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल में ऐड करता रहता है। और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन वो होता है जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म प्लांट के रूट के साथ एसोसिएशन बनाता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता रहता है सॉइल में भी और उस प्लांट की रूट्स में भी। इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।